मैं यहाँ कुछ और बोलना चाहता था, कुछ और निकल गया और उसका कुछ और मतलब बन गया, तो कुछ कुछ के चक्कर में बहुत कुछ हो गया यहाँ पे, सो ये कुछ नहीं करना चाहिए था। सो हेलो नमस्कार शशिकाल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है 17 नवंबर, मैं लिखा देता हूँ, हाँ जी, तो आज है 17 नवंबर, वैसे आज कुछ नहीं है, कल है 18 नवंबर, और कल के दिन मैंने अपने चैनल स्टार्ट किया था, मतलब पहला वीडियो 18 नवंबर को डाला। सो पूरी एक साल हो जाएंगे, देखते देखते एक साल हो गए। सो मैं सोच रहे थे एक साल में क्या करें हम लोग, क्या करें, तो मैंने सोचा डिमना जाए तो डिमना बड़ा बोरिंग हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, तो क्या कर रहे हैं हम लोग मैं बताता हूँ, उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा। हाँ जी, तो मैं सोच रहा था क्या करें हम लोग, तो मैंने सोच लिया, मतलब बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि कुछ अलग करेंगे, कुछ अलग में मुझे समझ आया कि अपना पहला वीडियो में क्यों ना रिएक्ट करें, देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या नहीं आए, मतलब क्या क्या चेंज हुआ और कैसा है, बताता हूँ मैं आपको। आज मैं बनाऊँगा वीडियो, हर रोज़ तू बनाता है क्या, मजा अच्छा बना के रखा है। आज मैं बनाऊँगा, एक साल हो गए कभी मैं नहीं आया, हर रोज़ एडिटिंग करता हूँ, आज मैं बना रहा हूँ। हाँ जी, तो हर रोज़ इसकी बकबक सुनते रहते हो, अब आज मैं बनाने वाला वीडियो फुल रिएक्ट करेंगे हम लोग, आज इसकी क्लास लेते हैं कि इतना रोड में बकबक करता है, देखते हैं क्या बकबक करता है कुछ। लेट्स सी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग, तो आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, कई लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, जान जाओगे, बातचीत होती रहेगी, जान पहचान बढ़ाते रहेंगे, तो अब शुरू करें। एक्चुअली मुझे उस टाइम उतना आइडिया नहीं था, तो ये म्यूजिक मिला तो मैंने डाल दिया, बट अभी वाला जो इंट्रो म्यूजिक है वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद, मतलब एकदम मेरा फेवरेट है, मतलब मैं चलाता रहूँगा पता नहीं कब तक, मज़ा आता है उसमें। सो हेलो नमस्कार शशिकाल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सब आए, एक्सक्यूज मी, मैं आया हुआ हूँ डिमना, मतलब इसके बिना जमशेदपुर के लोगों का पिकनिक लिस्ट इज जस्ट इनकम्प्लीट विदाउट दिस। हां, तो एक्चुअली कुछ साल पहले ये पिकनिक स्पॉट हो गया था, बट कुछ लास्ट कुछ तो मैं तब भी फंबल करता था, मैं अब भी फंबल करता हूँ, मैं शायद आगे भी फंबल करता रहूँ, बट तब से अब थोड़ा कम हुआ है, पर करता हूँ मैं, तब बहुत ज़्यादा हो रहा था ना सालों में, ये निपन 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 यार। मतलब आप आओगे कल को, आपको अगर पानी ना दिखे, पेड़ ना दिखे, नॉट अ बिग डील, क्योंकि निब्बा निब्बी दिखेंगे दिखेंगे आपको, एकदम मैंडेटरी है वो चीज़। तो आगे चलते हैं, ये वैसे ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, बट मैं कुछ टिप्स आपको देखो, वो मोटिवेशन वाला जो है ना, मोटिवेशन का कीड़ा मेरे में अंदर से, मतलब पहले वीडियो में मोटिवेट कौन करता है, पहले वीडियो में इन्फ्लुएंसर कौन बनता है, तब से है मुझ में, जब आप पब्लिक में व्लॉग कर रहे हो, खुद ही पहला व्लॉग बना रहा हूँ और लोगों को पब्लिक में व्लॉगिंग की टिप दे रहा हूँ, बताओ सबसे बड़ा रोक क्या है, सच लोगों की सोच मत ना, क्या ज्यादा सोचो मत कि लोग क्या, सबसे बड़ा रोक क्या कहेंगे लोग, लोगों की सोच मत, बस अपने कैमरे पे देखो, इधर उधर कहीं नहीं देखना, सिर्फ देख रहे हो, देख रहे हो कितनी ऑनेस्ट हो, कितना मतलब देखते हैं, ज्यादा बकबक नहीं करते, और हो सके तो चलते चलते व्लॉग करो मोस्टली, और अभी कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ले लेते हैं, एक प्रो टिप दूंगा, दो आई एम नॉट अ प्रो, बट टिप तो दूंगा, हाँ, रट के आया हूं, और हाँ ये मैंने सच बोला कि मैं रट के आया हूं, क्योंकि ना इसके लिए मैं ये वीडियो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था, पिछले 4-5 दिन से मैं लिख रहा था कि क्या बोलूंगा, और एक एक वर्ड जो मैंने बोला फुल स्क्रिप्टेड था, बॉस फुल स्क्रिप्ट, क्योंकि मैं अपने शुरुआती कुछ 2-3 वीडियोज़ के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा था, बट उसके बाद से जितने वीडियो आए सब ऑन स्पॉट जाके मैंने बोलना शुरू किया, क्योंकि स्क्रिप्टेड बहुत अजीब लगता है, ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था, फुल्ली स्क्रिप्टेड। तो टिप देंगा, तो जब भी आप सिनेमैटिक शॉट बनाओ तो कोशिश करना दोनों हाथ से करें, एक हाथ से करोगे तो स्टेबिलिटी आ नहीं पाता है, और अगर आप दोनों हाथ से करो और वो तब भी स्टेबिलिटी ना आए तो भाई समझ जाओ कहाँ, ये शायद कई लोगों ने नहीं समझा, तो मैं यहाँ बताता हूँ, सिगरेट विगरेट बंद करो यार, स्टेब हाथ, मतलब देख रहो इतना ज्ञान पहले वीडियो में कौन देता है भाई, देखो कितना अच्छा बंदा था, मतलब है तो हाँ मत करो, पूरी चीज़ है वो इसको। हाँ, when I'm up through the night, I can't turn down the noise, say all the words out of my mind, about who I'm supposed to be, I start to believe, I can't get it right, remember the days I let slip away, they were simpler time, mama told me before you leave, if there's only one thing, एक्चुअली उस टाइम मैं अपने वीडियोज़ में, हाँ उस टाइम मैं अपने वीडियोज़ में ऐसे ही मतलब डाल देता था, कोई कलर करेक्शन नहीं, कोई कलर ग्रेडिंग नहीं, अब भी उतना बेटर नहीं है, बट अब थोड़ा बहुत मैं करता हूँ कलर करेक्शन कलर ग्रेड, उस टाइम तो कुछ भी नहीं, मतलब जो है डाल दो भाई, सब डाल दो, और मुझे लगता है मैं डिमना को बेटर कैप्चर कर सकता था, बट ओके okay.
आप लोगों ने भी देखा होगा क्या मुझे कहने की जरूरत है, क्या क्या है। तो अब हम चलते हैं स्ट्रेट इनटू आवर नेक्स्ट लोकेशन। सो चलते रहिए चलते रहिए। मुझे गाने की इच्छा हो रहा है बट गा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। कितना डरता था कॉपीराइट से, हाँ कितना ज्यादा। अब घंटा डर नहीं लगता, डाल दो कॉपीराइट, नहीं मत डालो। यहाँ देखिए पूरा कंटेंट मिलेगा आपको। ये है हमारे यहाँ का बोटिंग एरिया, बट ये बोट्स काफी अरसों से मैंने देखा नहीं है कभी इनको चलते हुए, शायद चलते हुए हैं, कोई आइडिया नहीं ब्रो। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ से मेरे कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा था, लेकिन मैं बताऊंगा थोड़ा आगे। ये टाटा ग्रुप का गेस्ट हाउस है, मतलब यहाँ टाटा के जो भी ऑफिशियल्स आते हैं वहाँ, मतलब जो थोड़े शौकीन मिजाज के होते हैं, नॉट दैट शौकीन, नेचर वाले शौकीन। तो मैं कुछ और बोलना चाहता था, कुछ और निकल गया और उसका कुछ और मतलब बन गया। सो कुछ के चक्कर में बहुत कुछ हो गया यहाँ पे। सो ये कुछ नहीं करना चाहिए था। टाटा ग्रुप यहाँ रुकवाता है, मेरे पीछे देख सकते हो, मजा तो बहुत आता होगा यहाँ। शौकीन लोग, नेचर के शौकीन वैसे वाले नहीं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। सो अब मैं खड़ा हूँ टाटा मोटर्स की ये वाटर कैंप, मतलब यहाँ वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, मतलब कई तरह के यहाँ गार्डन। मुझसे निकल नहीं रहा वो वर्ड, निकल रहा है वाटर राफ्टिंग वाटर स्पोर्ट्स, बट अब ये खुल गया। हाँ अब आप जाके कर सकते हैं ये चीजें। मैं फिर जाऊंगा डिनर तो दिखा दूंगा आपको एक कभी, क्योंकि कोरोना मैन कोरोना, सच बात है 2 साल खा गया कोरोना ने। तो आपको ये वाटर स्पोर्ट फैसिलिटी फिलहाल तो नहीं मिलेगा, बट कुछ दिन बाद कोरोना के बाद मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट कर लेता हूँ। मतलब इंडिया में हम सब देखते हैं व्लॉगिंग कल्चर उतना ज़्यादा, और यहाँ इस मोमेंट से फुल कॉन्फिडेंस जो है ना वो एकदम ढप से नीचे गिरा, क्योंकि यहाँ आप देखो मतलब स्टार्टिंग में कितने जोश में था, एनर्जेटिक था, यहाँ आके फुल एकदम मतलब फुल कॉन्फिडेंस खत्म, एकदम मतलब आवाज़ नहीं निकल रही थी, कुछ बातें कर ले तो ऐसे में साइड में बोल रहा था। क्योंकि ना हुआ क्या, एक्चुअली कुछ लोग देखने लग गए थे आसपास से, और फिर उसके बाद भाई ये कुत्ता, कुछ लोग देखने लग गए थे आसपास से, और फिर मेरी कॉन्फिडेंस गिरने लग गया। मतलब पहला ही वीडियो है, क्या ही करेंगे। होना चाहिए, मतलब बाहर के आप कंट्रीज में जाओ तो जितना व्लॉगिंग को लोग पहचानते हैं जानते हो, उतना इंडिया में व्लॉगिंग के लिए है। हाँ। नहीं देख रहे हो, देख रहे हो, ये बंदा अकेले इंडिया का व्लॉगिंग उठाने का सोच रहा था, कुछ करूँ कुछ करूँ। क्या करूँ, मोस्टली मैं ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे एडिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, एडिटिंग कंटेंट। बात तो ठीक है बंदे की, क्योंकि ना मेरा व्लॉगिंग कभी मेरे माइंड में था नहीं, मैं हमेशा से टेक चैनल चाहता था, बट टेक हो नहीं पाया क्योंकि बात कर नहीं पाता है। तो मैंने सोचा व्लॉग करेंगे, और व्लॉग भी मतलब कुछ नहीं हो पाया। अरे ओ ये क्या कर रहा है तू, तू तो रिएक्ट करने वाला, तू तो रोस्ट करने लग गया। तू हर वीडियो में आता, आज तू मुझे करने दे। हाँ तो ऐसे थोड़ी होता है, अब तू बकबक करता, आज तेरी क्लास भी ना लूँ। चल कुछ नहीं कि मैं आपसे मांग रहा सब्सक्राइबर्स दो, मुझे ये दो वो दो, ड्रग्स दो मुझे। काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट आप लोग अगर साथ रहोगे तो सब हो जाएगा सॉर्टेड। और हाँ मतलब भाई साहब फुल यहाँ मेरी फुल कॉन्फिडेंस गिर गया, मतलब खत्म। मतलब बात करने को मुझे लग रहा था ना, मतलब मजबूरी में ये कर रहा था क्योंकि वीडियो एंड भी करना है, और बाकी जो सौरभ और थे वो भी यहाँ नहीं थे, मैं अकेला था। सारा से भी अच्छा लगा तो एक लाइव ड्रॉप कर दीजिएगा, और अपने जो फीडबैक होगा कमेंट सेक्शन में डालें, कमेंट सेक्शन आप ले। वैसे इस वीडियो पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, तो थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत लोगों ने कमेंट किया, पर इसके बाद फिर नहीं किया, ये क्या है, आगे तो करना है। हाँ तो आई गेस ओके था पहले वीडियो के हिसाब से, बहुत ज़्यादा कोई खास, बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ वैसे तो नहीं, बट इट वॉज नाइस। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब 1 साल हो गया देखते देखते, मुझे पता भी नहीं चला 1 साल का टाइम कैसे कहाँ निकल गया, कितना जल्दी आ गया 1 साल। और अभी बहुत सारे साल जाने ऐसे हम लोगों को, बहुत वीडियोज़ बनाने, बहुत मज़ा करेंगे। 1 साल में 50 वीडियोज़ हो गए होंगे मुझे लगता है, 50 हाँ मे बी, क्योंकि शॉर्ट्स भी थे कुछ। शॉर्ट्स में तो भाई सब एकदम नेक्स्ट लेवल मज़ा आ रहा है, एकदम अलग ही मज़ा आ रहा है शॉर्ट्स में। वो नाच गाना में नहीं करता हूँ, बट शॉर्ट्स का अलग मज़ा अपना, ठीक है। और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो हेलो जी कैसे हो, और आज के लिए बस इतना ही, विद दिस सैनिक मिस्टेक लगा, थैंक यू एंड धन्यवाद, बाय। बाप रे बाप, इंग्लिश।